श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहा जाता है कि अगर किसी भी दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसका असर कई देशों पर पड़ना तय है, क्योंकि युद्ध हमेशा से ही विश्व बाजार पर असर डालता रहा है। इस वक्त भी दुनिया एक और युद्ध को देख रही है जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है, जिसमें अब तक 1500 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये कहा जा सकता है कि इस जंग की वजह से दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। वो कैसे, आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त ईरान पर हैं, जो तेल उत्पादक भी है और हमास का समर्थक भी। अगर ये युद्ध आगे और बढ़ा और ईरान की इस युद्ध में भूमिका रही तो इसराइल ईरानी और अरब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा, जिसका अरब देश, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, खुलकर विरोध भी करेंगे, जिसके बाद तेल की कीमतें बढ़नी तय मानी जा रही है और तेल सप्लाई पर काफी असर भी पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जिसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। 1973 की तरह 2023 का युद्ध, दरअसल 2023 में हो रही हमास और इसराइल की जंग 1973 की तरह ही मानी जा रही है, जब अरब देशों ने इसराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद अरब देशों और इसराइल के बीच भीषण युद्ध हुआ। अरब इसराइल युद्ध में इसराइल का समर्थन करना कई देशों को भारी पड़ा, जब सऊदी अरब ने उन राष्ट्रों के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगाया, जिसमें तेल की कीमतें दुगनी भी कर दी गई और तेल उत्पादक में कटौती भी कर दी गई और तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी थीं, जिसने सभी देशों को लगभग परेशान कर दिया था, जिसने ये जताया कि अमेरिका जैसे देश तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जिसके बाद कई देशों में तेल सप्लाई भी रोक दी गई थी। फिलहाल अब जब इस वक्त हमास और इसराइल के बीच युद्ध हो रहा है तो अभी हालात उतने खराब नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों पर असर जरूर पड़ेगा और दाम दोगुने भी हो सकते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि सीरिया, सऊदी अरब और कई अरब देशों ने अभी इस युद्ध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसलिए 1973 जैसे हालात का हो पाना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा जरूर हो सकता है और 2024 तक तेल बाजारों पर असर भी पड़ सकता है, जब तेल की कीमतों में काफी इजाफा किया जा सकता है। अब ऐसा भी हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2019 में तेल कीमतों पर हुआ था असर। 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर हमला किया, सऊदी की तेल प्रोडक्शन को विद्रोहियों ने निशाना बनाया, जिसका असर दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ा था, जिसके बाद कई देशों में तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ। इस वक्त अगर ईरान को इसराइल जिम्मेदार ठहराता है तो कई दूसरे संगठनों के जरिए इसराइल तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बोल देगा, जिसमें ईरान और अरब देश शामिल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी और सप्लाई चेन भी काफी प्रभावित होगा, और ईरान और अरब देश अपने हिसाब से तेल बेचने का काम करेंगे, जिसके मुंह मांगे दाम लिए जा सकेंगे। खैर, 1973 और 2019 जैसे हालात अभी नहीं बने हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जैसे कई देश अब तेल के लिए अरब और ईरान जैसे देशों पर कम निर्भर हो गए हैं, क्योंकि कई देशों ने तेल के स्टॉक को कई सालों तक के लिए भर लिया है, तो वहीं आधुनिकता के दौर में अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगा है, जिसने भी तेल की निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिमांड बाजार में बढ़ गई है, लेकिन फिर भी तेल की आपूर्ति बिना कोई देश नहीं रह सकता। अगर बात भारत की जाए तो भारत पर कितना असर पड़ेगा ये भी आपको बता देते हैं। भारत पर कितना पड़ेगा असर, तेल की कीमत बढ़ने से भारत के लिए इसका इंपोर्ट करना महंगा होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है। इससे आने वाले दिनों में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल महंगा कर सकती हैं, इसलिए भारत में भी तेल के दामों में इजाफा हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि तेल सप्लाई चेन अगर प्रभावित हुई तो दुनिया में आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब दो देशों में युद्ध होता है तो दुनिया के कई देश प्रभावित होते हैं, और तब तब ऐसा हुआ भी है, लेकिन अभी 1973 वाला वक्त नहीं, जो 2023 चल रहा है उसमें आधुनिकता का दौर है और कई देश आत्मनिर्भर बन गए हैं।
जो ये सिखाता है कि कैसे अगर युद्ध की वजह से बाजारों पर संकट आया तो उन्हें कैसे निपटना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर हमास और इसराइल के बीच युद्ध और बढ़ा तो किन देशों पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।